आइए एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, अगर इनके रूट एग्जिस्ट करते हो तब। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x² + x + 4 = 0। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाते हैं, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, वी गेट 4x² + 2x + 8 = 0। डेट इज 4x² को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2x को हम 2 × 2x × 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 8 = 0। हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इस इक्वेशन को a² + b² + 2ab से कंपैरिजन कराने पे ए स्क्वायर का टर्म तो मिल गया है, 2ab का भी टर्म हमने फाइंड कर लिया है, जहां b की वैल्यू 1/2 है। अब हमें b² का टर्म लाना है, डेट इज 2x² + 2 × 2x × 1/2 + 1/2 - 1/2 + 8 = 0। हमें बी स्क्वायर का टर्म लाना था, बी की वैल्यू हमने निकाल ली थी 1/2, तो हमने इस इक्वेशन में बी स्क्वायर एड कर दिया और बी स्क्वायर माइनस भी कर दिया, यानी कि हमने 1/2 का स्क्वायर एड कर दिया और 1/2 का स्क्वायर ही माइनस कर दिया। डेट इज इक्वेशन के फर्स्ट 3 टर्म इस फॉर्मूले से मैच हो रहे हैं, इसलिए हम इन फर्स्ट 3 टर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं 2x + 1/2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में a की जगह 2x है और b की जगह 1/2 है, -1/2 का होल स्क्वायर + 8 = 0। दैट इज 2x + 1/2 का होल स्क्वायर = 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये इस साइड निगेटिव में है तो अदर साइड लाने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/4 - 8, 8 इस साइड पॉजिटिव में है, अदर साइड जाने के बाद निगेटिव हो जाएगा। 2x + 1/2 का होल स्क्वायर = 4 और 1 का LCM 4, 4 - 32 = -28/4। दैट इज 2x + 1/2 का होल स्क्वायर = -28/4 = -7। Removing the square, we get 2x + 1/2 = √-7. We know that we can't find the real value of √-7. Therefore, this quadratic equation have no any real root.